डर, चुनौती और प्रण के साथ आज फिर हम आ चुके हैं दिल्ली मेट्रो में एक अद्भुत कलाकारी का इतिहास रचने। इसके साथ ही स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं कि पिछले पार्ट में आपने कितना सपोर्ट और कितना प्यार दिया। उम्मीद करता हूं कि वैसा ही सपोर्ट और वैसा ही प्यार आप इस वीडियो में देंगे। तो चलिए आज इस सफर को साथ में मिलकर शुरू करते हैं और एक बार फिर चलती मेट्रो में चित्रकारी के कारनामे को अंजाम देते हैं। और इसके साथ ही हमारा खूबसूरत लक्ष्य भी हमें मेट्रो में प्रवेश करते ही प्राप्त हो चुका है। तो आज हम इन्हीं मोहतरमा की चित्रकारी करने वाले हैं। तो चलिए तस्वीर को आंखों से होते हुए दिल से मुलाकात कराने के साथ साथ कागज पर उतारने की कार्रवाई शुरू करते हैं। तस्वीर के पहले चरण में चित्र को सजीव करने के लिए चित्र का एक आउटलाइंस बनाया जाता है। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि हम अपने चित्र को पूरा करते हैं, मोहतरमा ने मेट्रो लाइन बदलने का निश्चय कर लिया। लेकिन हम अपना लक्ष्य बदलने का निश्चय नहीं करेंगे, क्योंकि बात बस इतनी सी है, फकत तेरे पीछे लगे रहते हैं हम, बस एक तस्वीर की तो बात है। अब पीछे पीछे आ तो गए, लेकिन पुलिस वाले और आर्मी वालों को देखकर लग रहा है कहीं आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत जेल ना जाना पड़ जाए और बेल भी ना मिले। खैर, चित्रकारी पुनः आरम्भ करते हैं। शेडिंग और डार्कनेस का उपयोग करते हुए चेहरे को एक खूबसूरत आकार देंगे और बालों को गाढ़ा काला करने के साथ साथ कपड़े तथा शरीर के बाकी हिस्सों को उसी प्रेम भाव के साथ कर देंगे जैसा कि आप हमारी वीडियो के साथ करते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट करके। अंत में इस चित्र को समाप्त करेंगे अपने हस्ताक्षर के साथ। भाई यार, क्या पुलिस वाले बताते हैं, मुझे डर लग रहा है। कैसा मतलब तू जब हम कर रहे हैं कोई याद काम नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरा नाम मीना आर्टिस्ट है और मैंने आपको देखा था पिछले स्टेशन पर आप खड़े थे। मतलब तो क्या वैसे ये पहले ये बताइए, अपडेट्स क्या रहे हैं? मैंने आपके लिए कुछ बनाया था मैम। मैडम मेट्रो के लेडीज कंपार्टमेंट में जा चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के होते हुए हम भी हिम्मत जुटा के मैडम को उनका सरप्राइज स्केच देने गए। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैडम को कुछ गलत फहमी हो गई। लेकिन जैसे ही मैडम बाहर मेट्रो के निकली, हमने फिर एक और बार ट्राई किया। अरे सुनिए, तो आपके लिए स्केच बनाया था, हम स्केचेस बनाते हैं, आप देखिए एक बार। आपका स्केच बनाया था, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। अच्छा लगा आपको? बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हम सरप्राइज स्केच बनाते रहते हैं लोगों का, उनको सरप्राइज। आप लेडीज डिपार्टमेंट में थे तो इसलिए मैंने बोल दिया आपसे। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था वो लेडीज डिपार्टमेंट था, तो मैंने जस्ट, मुझे लगा आप उतरने वाले, तो मैंने जस्ट आपको आकर जल्दी से दे दिया। तो मैम कैसा लगा आपको? बहुत थैंक यू मैम, सॉरी मैंने आपको सुना दिया। तो मैम हमारा ना यूट्यूब पे चैनल है बिना आर्टिस्ट के नाम का, आप सर्च कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उधर हम ऐसी वीडियो डालते हैं, रिएक्शन की वीडियो डालते हैं एक्चुअली स्केच के साथ साथ। तो आपकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाई है, क्या हम डाल सकते हैं एज अ जस्ट ये दिखाने के लिए कि ये स्केच भी बहुत अच्छा होता है। स्केच बनाया तो इतना छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शिवानी। अंत भला तो सब भला, अंततः मैडम ने हमें वीडियो डालने की भी परमिशन दे दी। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, दिल को छुई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारा सपोर्ट करो जैसा कि आप करते रहते हो। और हमारा एक और पेज भी है मल्टीवर्स आर्ट फेडरेशन फेसबुक पे, उसे भी आप जाकर सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम अच्छे अच्छे कॉन्टेंट और लाते रहते हैं। और मिलेंगे एक और नई वीडियो में, ऐसी शानदार वीडियो में, क्योंकि अब हम हर संडे आपके लिए एक ना एक नई वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको तुरंत मिले। तो गुड बाय मेरे दोस्तों।